हेलो अम्मीजान, मैंने अपने वालिद का पूरा मुल्क घूम लिया, लेकिन मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। पता नहीं कैसे आप यहाँ वालिद से दिल लगा बैठे। अभी मैं अपने वालिद के शहर डेहरी ऑन रोहतास बिहार में। यहाँ की औरतें बिना नकाब के खुले आसमां में बेखौफ होकर घूम रही। इनके इरादे बिल्कुल ही नापाक हो चुके हैं। खुदा के बनाए गए कानून 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज जा रही है, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन रही है। इंशाअल्लाह हमारी आवाम तो डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट जैसे बनने का ख्याल दिल में लाती नहीं। हम तो सिर्फ तबाही के लिए बम बनाते हैं। अम्मी जान, यहाँ की नदियों में पानी कम और रेत ज्यादा दिख रहा है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के नदियों में पानी भरपूर आती है और पूरे पाकिस्तान को बहा ले जाती है। अम्मी जान, मैं खैरियत से हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। क्या दिक्कत है मियाँ, इतना भड़क क्यों रहे हो? गुस्ताखी माफ करना भाईजान, मैंने बस यहाँ की हकीकत बयां की है अपने मुल्क वालों के साथ। कहाँ से हो? ला इल्लाह इल्लल्लाह, पाकिस्तान से हूँ और इस नाचीज को अशरफ अली खान कहते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका मुल्क घूमने आया। अच्छा, तो अपने अब्बू घर आए हो, कैसा लगा हिंदुस्तान? हकीकत में कहूँ तो मुझे यहाँ के आवाम पे तरस आ रही है। कैसे हुक्मरानों को हुकूमत के लिए चुना है जो इनके ही ऊपर जुल्म कर रहा है। अगर महंगाई की बात करें तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क आपके मुल्क से बहुत बेहतर है। इस मुल्क की आवाम तो महंगाई के खौफ से टमाटर नहीं खरीद रहा और पैदल घूम रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें यहाँ सभी मुल्कों से ज्यादा है। तो तुम्हें पेट्रोल और सब्जी के दामों से दिक्कत है? तुम्हारे यहाँ पर महंगाई नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी आवामों का ख्याल रखना बखूबी जानते हैं। आपके मुल्क के हुक्मरान सिर्फ जुल्म करना जानते हैं, खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। क्यों, सच्चाई सुन के साफ सुन गई क्या? अरे अब तो सच बोल दे भोंसड़ी के, तुम किन भारतीय मुसलमानों की बात कर रहे हो? वो जो बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान में 10% थे, आज वो 10 से बढ़कर 14% हो चुके हैं। आजादी की वजह से हुआ है या उनके ऊपर जुल्म हुआ है? पाकिस्तान में 20% हिंदू थे बंटवारे के वक्त, आज कितने प्रतिशत है बोल? लगभग 1.5%। किसके साथ जुल्म हुआ है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ या पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ? पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ। शुक्र मना कि तू हमारे यहाँ मेहमान बन के आया है और पाकिस्तानी दामाद सितारा सिंह से मिला है, वरना ऐसे नपाक लफ्जों के लिए तेरे पिछवाड़े में रॉकेट डाल के नपाक स्थान में फेंक देता। माफ कीजिएगा भाईजान, मैंने जो कुछ भी कहा है हिंदुस्तान के लिए वो गलत कहा है। दरअसल हमारा मुल्क महंगाई से जूझ रहा है। हमारे मुल्क के 40% आवाम चड्डी बनियान पहनना छोड़ दिया है महंगाई के खौफ से। ये तो पूरे दुनिया को पता है कि भूखे और नंगों का देश है पाकिस्तान। तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है भाईजान, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ टमाटर की कीमत 400 रुपये पार हो चुका है, पेट्रोल 250 पार हो चुका है और गैस सिलेंडर 3000 पार हो चुका है। आटा खरीदने पर भी नहीं मिल रहा है, हम सब भूख से मर रहे हैं भाईजान। वैसे तुम्हारे पाकिस्तानी आतंकवादी जब मरते हैं तो उन्हें 72 हुरे लेने आती और जन्नत नसीब होता है, ये भूख से मरने वालों को कितनी हुरे लेने आती? आप तो हमारे अपने हो ना भाईजान, खुदा के लिए आप ऐसा मत करो, आप तो हमारी मदद करो। हम हिंदुस्तानियों ने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सुधरने का मौका दिया है, लेकिन हर बार तुमने हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ा है, पीठ पर खंजर भोंका है। पहले भरोसे के काबिल बनो, फिर सोचेंगे तुम्हारे बारे में। भाईजान ये आवाजें कैसी आ रही? आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हमने तो कल ही झंडा फहराया 14 अगस्त को।
तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।